हेलो जी, मैं हूं तस्खीर। और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने फेंटी लगा दी है भाई। पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं ना, फेंटी लगा दी शोएब अख्तर को। मैंने बहुत सुना है। फेंटी ये लगाई है कि खुद बहुत अच्छा नहीं खेले बैटिंग में, लेकिन बॉलर्स ने, भाई कहते हैं ना, वो इज्जत बचाने वाला काम किया है। सच में इज्जत बचा ली, और ऐसी वैसी इज्जत बचाई है। 59 पर ऑल आउट कर दिया। सबसे लो स्कोर किया है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने 59, और टीमों ने भी किया है 100 के नीचे, लेकिन 59 सबसे कम स्कोर। कमाल की बात है। देखते हैं इस पर क्रिक कॉमेडी। स्टार्ट करते वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। क्या है, कोई कमाल किस्म का मैच हो गया यार। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हम ये इस किस्म की बात कर रहे थे कि यार टर्निंग विकेट है उनके स्पिनर्स का विकेट माना जा रहा है, उन्होंने पकड़ा हुआ है। हमारे बैटर जो उनके सामने कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन इधर से कौन निकले, हमारे पेसर्स खड़े होते ही नहीं मासूम वहां पे बैटिंग करने के लिए। अचानक स्पीड के ऊपर बॉलें आ रही थी, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। पहली 2-3 बॉल तो कम से कम बंदा स्लो कराए ना। 200 रन बनाए उसके अंदर भी, 150 रन से हरा दिया पानियों को। टॉप क्लास परफॉर्मेंस। मेरा रूफी जो है छाया पड़ा था। वैसे जो भी वो स्टार्ट लिया था शाहीन ने और नसीम ने, उन्होंने जो ये कोई 3 विकेटें जो ली थी ना, 7 ओवर उसके बाद सारी टोन सेट हो गई थी कि हमने नहीं छोड़ना आज। बहुत से लोग रेडी बैठे हुए थे, उन्होंने जब देखा ना कि हमारी टीम स्ट्रगल कर रही, पहली इनिंग्स को एंजॉय की। बहुत से लोग जो है वो टेढ़ी आंखों से देख रहे थे और बस इसी इंतजार में थे कि कैसे ये हारेंगे और कैसे। मैं खुद सोच रहा था कि जब वो बैटिंग के अंदर आए तो उनको तो 50 रन बनाना मुश्किल हो गए। 16 ओवर के अंदर 7 आउट किए हुए थे अगलों को, बिल्कुल T20। मैं पहले ही कहता था कि ये जो अफगानीज हैं उनको बस 20-25 ओवर की गेम पता है, उसके आगे क्या करना उनको ज्यादा पता नहीं है, तो उनको थोड़ा आगे ही लेके जाना होता है और ये उनको आगे ही नहीं लेके जाने दिए इन्होंने। टर्निंग विकेट हो रहा था। सारे स्पिनर्स जो है वो रेडी हुए हुए थे कि किसी तरह हमारी जब बारी आएगी। हमारे भी 2 स्पिनर्स हमने खिलाए हुए थे और वो बेचारे उनकी बारी ही नहीं आनी थी। सारा का सारा काम तो पेसर्स ने कर दिया। तो वो भी कह रहे हैं हम क्या करें भाई, हम अपनी नौकरी छोड़ दें। खैर, जो 3 फास्ट बॉलर्स का ये ट्रायो बना हुआ हमारा, उनको यार भाई क्या ही मतलब, क्या इनके बारे में तारीफ की जाए। इतनी खूबसूरत बॉलिंग हो रही होती है। वो रमीज राजा ने इनके बारे में कह दिया कि जो 80s की वेस्ट इंडियन टीम थी ना, वो याद था कि खैर तुम ये भी कह सकते कि 90s की पाकिस्तानी टीम याद है कि इसके अंदर वसीम, वकार, शोएब अख्तर, यार ये कोई कम फास्ट बॉलर्स नहीं थे। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज चूंकि अब चले गए हैं सारे सीन के अंदर से, तो पीछे किसी ने तो उनकी जगह लेनी थी ना, तो हमने सोचा कि हम भी ले लें। खैर, बॉलिंग में तो बहुत कमाल हमने परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन उसके बाद बैटिंग जो है पिच मुश्किल थी, उसके अंदर इतना स्कोर बनाना भी बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी हमारे जो बैटर्स हैं थोड़ा पड़ेगी। फखर जमान की भी कोई टांगे बांगी नहीं हिल रही थी, बड़ी ही रस्टी नजर आए, चूंकि ओडीआई वगैरह उन्होंने ज्यादा खेले भी नहीं है। अच्छा है कि ये सीरीज खेल रहे हैं, इसके अंदर के थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये थोड़ी वेकअप कॉल भी है इनके लिए। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा अगर सीधे-सीधे इनको एशिया कप के अंदर छोड़ दिया जाता, तो वहां पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाना था इनके लिए। तो उस लिहाज से ये सीरीज बहुत ही अच्छी है कि एक वेकअप कॉल तो इनको मिल गई है। हाईलाइट ऑफ द मैच यही थी कि बाबर आजम 0 के ऊपर आउट हो गए। फिर से स्पिनर के हाथों ही आउट हुए, तो लोग बड़े जो है वो खुश हो रहे हैं कि इसकी कमजोरी हमने पकड़ ली। स्पिनर्स में ही मिलनी थी यार कमजोरी, मतलब पूरी उम्र हम स्पिनर्स को ही अच्छा खेलते रहे इन पिचेस के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, तो स्पिन को ही बेहतर खेला जाता है यार। कराची वालों से थोड़ी बहुत शिफ्ट्स ले लो यार, उतने बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं स्पिन के। ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि स्पिनर्स इसकी विकेट लेके जा रहे हैं। खैर, राशिद खान के लिए प्लेट में सच के सब कुछ आ गया था। पहले से ही 3-4 आउट हुए थे पाकिस्तानियों के ऊपर से। राशिद खान को जब ओवर मिला तो उसने अपने पहले ओवर में ही खा गया। मैं आका को वो लेके चला गया था, उसके बाद भी किसी को आउट किया था, लेकिन उसके लिए तो सब बिल्कुल प्लेट में सजा हुआ था और उसने उसका पूरा फायदा भी उठाया। अगर किसी बंदे ने फाइट की ना, क्योंकि अगर ये चलो ठीक है जैसी भी पिच होती, अगर इसके ऊपर हमने 150-100 रन बनाए होते ना, तो प्रेशर हम पर ही होता और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है वो ले भी जाता मैच। अगर किसी बंदे ने बचाया है ना इस मैच को ट्रूली, तो वो बचाया इमाम अपने माँ बाप को भी ग्राउंड के अंदर नहीं लेके आ सकता, क्योंकि पर्ची पर्ची के नारे लग जाते हैं। तो लख दी लानत है ऐसी अवाम के ऊपर। आप लोग सोच लें कि वो कौन से लोग होते हैं, देखे होंगे वो कौन से लोग होंगे जिनको घर में दूसरी दफा कोई सालन नहीं पूछता। बोटी तो फिर दूसरी बात है, सालन भी दूसरी दफा नहीं मिलता है। वो लोग ही आके इस किस्म के नारे लगा देते हैं। खैर, 2 साल पहले मेरे ख्याल में मैंने इसके बारे में ये वीडियो बनाई थी और यही कहा था कि इसको पर्ची पर्ची और इस किस्म की बकवासियात कहना बंद कर दो, और अब वो सही साबित हो रहा है। अभी तक जो है वो लोग उस वक्त तो बड़े मजे में कह रहे थे। दूसरा जो इफ्तिखार है उसको भी हम चाचू चाचू लगे हुए होते हैं। जिस नीयत से उसको चाचू चाचू बोला जा रहा होता है, वो हम सबको पता है कि क्या है। अपनी तरफ से बड़ा कह रहे होते हैं कि वो तो बड़ा इंजॉय करता है, बड़े प्यार से हम कह रहे हैं उसको चाचू, पर ऐसा है कुछ नहीं। खैर, इम्मी ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। इम्मी की वजह से ही हम इसके ऊपर पहुंचे हैं जो 200 रन बनाए। एंड में भी आके टेल ने भी कुछ रन बना दिए, जिसकी वजह से बचत होगी, नहीं तो हमारे हालात खराब ही थे। और इम्मी ने भी वैसे इस इनिंग्स के अंदर जो है पता नहीं क्यों वो बार बार जो है वो एरियल शॉट्स खेल रहा था। 2-3 दफा वो सेफ लैंड की, एक दफा कैच भी ड्रॉप हुआ, फिर भी एंड में कैच ही दे के गया। उसने भी कहा कि मैंने अगर विकेट देनी है तो कैच करवा के ही देनी। इफ्तिखार ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, जिसके अंदर 30-31 रन बहुत ही क्रूशल
टाइम के ऊपर आके उसने बनाए थे, और वो भी जो आउट हुआ था वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म का डिसमिसल था, अदरवाइज बहुत ही अच्छी टच के ऊपर नजर आ रहा था। तो हमारी बैटिंग भी इन कंडीशंस के अंदर उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। खैर मामला अब इस हद तक बिगड़ चुका है कि सकलैन को भी बीच में आना पड़ा। उसने भी ये कह दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्राउड होंगे तुम्हारी इस अचीवमेंट के ऊपर कि तुम वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इस वक्त नंबर 4 के ऊपर है। बड़ा अरसा ये टॉप 3 के अंदर भी रहा है, 2 के ऊपर था, अभी दोबारा से ओडीआई शुरू हुआ तो प्रीटी श्योर कि दोबारा वापस ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अब सकलैन तक बात पहुंच गई, मतलब और भी क्रिकेटर्स निकल के आ गए कि यार कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है ये मेंटल हेल्थ, और इसके बारे में तो हम कोई बात कर ही नहीं था। आप मैच हार रहे हैं, आप ठीक है अपना गुस्सा दिखा देंगे यार, ठीक है आप जब मैच जीते हैं आप खुशियां भी मनाएं, लेकिन इस किस्म के पर्सनल हो जाना और फिर 50,000 बंदा जब ग्राउंड के अंदर इस किस्म की बकवासें चीख रहा होता है तो ये आपके दिमाग के ऊपर जो है असर करती है ये सब चीजें। खैर अफगानिस्तान की जो टर्निंग विकेट्स के ऊपर परफॉर्मेंस होती है हमेशा से अच्छी होती है, काफी टफ हो जाता है इनको खेलना, इसीलिए चेन्नई के ऊपर इनका मैच रखा गया है हमारे साथ। आई वुड लाइक टू सी, अगर आप लोगों को पता होगा तो इंडिया का अफगानिस्तान के साथ किधर मैच हो रहा है वो भी हम देखना चाहेंगे, लेकिन चेन्नई के जो वेन्यू है वो इसीलिए चूज किया गया कि पाकिस्तान को एक टफ कॉम्पिटिशन दे सके। रिजवान भी आया था, उसने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, बड़ी ही अच्छे टच के ऊपर था, उसी तरह खेल रहा था, खेलने का हक होता है, लेकिन फिर वो भी नहीं चल सका और वो आउट हो गया। दूसरी तरफ एक और खबर भी थी जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात ही नहीं की थी, वो थी यूएई और न्यूजीलैंड के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड हार गया था। ये पता नहीं गोरे कब से पाकिस्तानियों की तरह बल्कि देशियों की तरह खेलना शुरू हो गए, क्योंकि ये तो हम ही होते हैं, ये तो रोबोट के बच्चे हैं, ये तो मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह हार रहे हों यूएई की टीम से, और यूएई की टीम ऐसे ज्यादा पता नहीं है, ज्यादातर पाकिस्तानी इंडियंस ही होंगे जो उसके अंदर खेल रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा जो टी20 आया था उसके अंदर भी यूएई की टीम क्लोज पहुंच गई थी, 20 रन से ही हारी है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूजीलैंड थी उसने मर मर के कोई 150 रन नहीं बनाया था, मूड उनका नहीं था ऐसा, उन्होंने स्कोर नहीं किया था कि जो चेज नहीं हो सकता। टी20 की बात हो रही है तो बचत होगी उनकी, वरना ये भी खबर बन जाती कि दूसरा भी हार गए। तभी मैं कब से लगा हुआ यार टी20 ही फ्यूचर है, क्योंकि उसके अंदर ये देखो ना यूएई जैसे अमीर मुल्क जो इनको जीतना चाहिए, इनको भी क्रिकेट की, जब अमीर मुल्कों में ऐसी स्पोर्ट फेमस होती है तो जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो भी बीच में जो है ना इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं, वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, लीग आ जाती है, और ये जो भी फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक टी20 है जिसके अंदर यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं और इस तरह की बाकी भी जो भी कंट्रीज हैं जिनके पास फाइनेंसिस भी हैं, जिनके पास पॉपुलेशन भी है, मार्केट भी है, ब्रांड्स इंटरेस्टेड होते हैं उनकी अवाम के अंदर, क्योंकि उनकी अवाम के पास बाइंग पावर है, तो ऐसी गेम को वहां पर प्रमोट करने के लिए टी20 को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। टी20 के अंदर ही इन कंट्रीज के चांस है, अदरवाइज ओडीआई के अंदर आपने देख लिया कि अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, हालांकि अफगानिस्तान की डिसेंट टीम है और ये कंडीशंस भी उन्हीं को सूट करती हैं, फिर भी आपने देख लिया कि कितना वन साइडेड मैच हुआ, उसी तरह टेस्ट मैच के अंदर तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि यूएई या अफगानिस्तान की टीमें जो है उसके अंदर भी कोई टफ टाइम देंगी, क्योंकि 5 दिन होता है उसके अंदर एक्सपोज हो जाता है। आई नो कि असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही है, लेकिन मैं जो बात करूँ वो बिजनेस एंगल से ही बात करूँ, जिसको स्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक पैसे नहीं आएंगे प्लेयर्स भी खुश नहीं होंगे और गेम भी आगे बढ़ेगी नहीं। 900 साल से हम ये गेम खेल रहे हैं और अभी भी अगर 14 मुल्क नहीं आए जो कि टेस्ट खेल सकते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है, कहीं ना कहीं तो मॉडल बिजनेस सेंस नहीं बना रहा। खैर जो भी हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में बात करें, जो मैच था वो बहुत ही जबरदस्त हो गया, रूफी छा गया, वैसे जो खूबसूरत उसने बॉलिंग करी, दूसरे वो 90s की याद आ गई जिसके अंदर लो स्कोरिंग ओडीआईज हुआ करते थे, 200-250 रन बनाए होते थे और फिर उसको जो है डिफेंड भी कर रहे होते थे, यही जो था ना, मैं पहले ही इत्तेफाक कह चुका हूं कि अगर ओडीआई को कोई चीज बचा सकती है तो वो सिर्फ बचा सकती है फास्ट बॉलिंग, ये बैटिंग छक्के जो ना आप 1, 2, 3, 4 के बाद जो ना आपका मूड थोड़ा वो होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन जब बॉल खेलना मुश्किल हुई भी होती ना और पेस के साथ निकल रही होती, एग्रेशन निकल के आ रही होती, वो जो चीज लैकिंग है वो फास्ट बॉलर्स ही ला सकते हैं क्रिकेट के अंदर, वो इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि 2 new balls कर दिए ताकि बैट्समैन जो है वो और मारें, फिर वो जो सर्कल के रूल कर दिए कि सारे पावर प्ले में घुसा के दो और मारो, इन सब की वजह से पूरा क्रिकेट ही जो है वो सफर कर रहा है, इसकी वजह से ओडीआई के भी वो चस जो है वो खत्म हो चुकी है। तो जब तक फास्ट बॉलर्स को नहीं ऊपर लाया जाएगा तब तक इस गेम के अंदर वो वापस करिश्मा नहीं आने वाला जो कि 90s में और 80s में हुआ करता था, जिसकी वजह से हम सब ने क्रिकेट देखना शुरू किया। खैर उसके अंदर भी बात ये आ रही थी कि इंडिया जो है वो काफी हद तक इन सब चीजों को भी कंट्रोल कर रहा हो, तो उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, बट बुमराह वगैरह और इस वक्त जब उनकी टीम में भी आ गए तो आप देखेंगे खुद उनको पता चलेगा कि कितना मजा आता है फास्ट बॉलिंग, अच्छी फास्ट बॉलिंग देख के उसकी वजह से जो मैचेस जीते होते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। जिस चीज के लिए मशहूर है पाकिस्तान उसी चीज से जीता है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त जीता है, तगड़ा जीता है, बोलती बंद कर दी है। एंड ये नहीं पता मुझे कि 90s का दौर अब आना चाहिए या नहीं, तो क्रिकेट में चेंजेस तो आएंगे भाई, इस बात से तो सबको अग्री करना पड़ेगा कि वक्त बदलेगा तो फॉर्मेट एंड रूल्स भी थोड़े बहुत बदलेंगे, तो उसी फॉर्मेट में अग्रेशन और वो जो जुनून था 90s वाला वो चीज़ लाने की कोशिश करनी चाहिए बॉलर्स को। ये नहीं कि यार अभी हम T20 खेल रहे हैं, अब ये खेल रहे हैं, कोई और फॉर्मेट बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा,
या फिर 50-50 ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर की कौन कह सकता है कि क्या किसको क्या डिसीजन ले लें सारे बोर्ड्स मिलकर, तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अभी आप वो चीज़ डाल सकते हो जो बॉलर्स में तब भी हुआ करती थी। सो वो देखने को मिली है भाई, मुझे तो अग्रेशन तो इसमें देखने को मिलता ही है। रूफी तो आरएस रऊफ तो अग्रेशन दिखाते हैं, शाहीन नॉर्मली रहकर अपना टैलेंट दिखा देते हैं, हारिस रऊफ अग्रेशन के साथ दिखाते हैं। सो तगड़ा कॉम्बिनेशन, 5 विकेट ले जाना बहुत बड़ी बात थी। दिमाग ब्लास्ट हो गया था जब मैंने देखा, क्योंकि मैं मैच छोड़ दिया था भाई कि अब नहीं जीत रही पाकिस्तान। तो मैंने कुछ टाइम पर मैंने ऐसे इंटरनेट पर देखा, एक वेबसाइट पर, कि मैं देखूं यार स्कोर क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा मैच। मैच ख़त्म हो चुका था, ख़त्म। T20 भी नहीं था भाई सेकेंड इनिंग में, तो बूम एकदम सारा कुछ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की बैटिंग को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एंड मुझे नहीं पता इमामुल हक कब भाई पर्ची, अगर उनको मान भी रही है पब्लिक तो किसी वजह से मान रही होगी। अगर ये गलत वाला सीन है कि उनको ना चलते हुए भी टीम में रखा जा रहा है, तो 10 में से 1 में मैच में अगर चल भी रहे हैं तो ये भी मायने नहीं रखता है। ये भी कोई 30 मार खा वाली बात नहीं है कि आप 100 मैच में से 5-10 मैच में चल गए बस, तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसी को अंदर रहना चाहिए। टैलेंटेड हैं अगर तो उसको रहना चाहिए। बाकी ब्लास्टिंग जीत थी पाकिस्तान की, क्योंकि बॉलर्स ने लाज बचा ली है, इज्जत बचा ली है पाकिस्तान की। क्या कहते हो भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये इज्जत बचाने वाली ही बात है कि थोड़ा सा कम स्कोर बना है, आपके फेल हुए हैं अच्छे अच्छे बैट्समैन, तब जाकर बॉलिंग ने आपकी इज्जत बचा ली। तो ये होना चाहिए, पाकिस्तान के पास बॉलिंग है इस टाइप की कि वो यार अटैक करेंगे, बॉलें मारेंगे दे देकर, तो डरा देंगे बैट्समैन को। और वो डर ही गए थे भाई, डर के ही आउट हुए हैं 59 पर। फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।